दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमारे भारत के महान वैज्ञानिक एक बहुत ही लीथल और बहुत ही खतरनाक हथियार को तैयार कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत को इस प्रोजेक्ट में बनाए जा रहे हथियार को लेकर एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल होने वाला है। दोस्तों, हमारे भारत के महान वैज्ञानिक इसके टेस्ट को जल्द से जल्द संपन्न करने के लिए दिन रात एक करके लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जैसे ही इसका टेस्ट सफल होगा, उसके बाद ये बहुत ही बड़ी क्रांति मानी जाएगी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों के क्षेत्र में। क्योंकि दोस्तों, इस हथियार को बनाने का मकसद है लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। हमारे भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसे हाई टेक्नोलॉजी वाले अस्त्र का विकास कर रहे हैं जो कि भविष्य में लड़ाकू विमान को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा। दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया के जितने भी तमाम देश हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसा हथियार आए जो लड़ाकू विमानों को रिप्लेस कर दे, मतलब कि लड़ाकू विमानों को रखने की जरूरत ही ना पड़े। अब इसके पीछे की वजह को समझें तो देखिए, लड़ाकू विमान और उसके हथियारों को खरीदने में कम से कम 100 मिलियन डॉलर यानी कि 750 करोड़ रुपए के आसपास पे करने पड़ते हैं। उसके बाद वह सेना में शामिल होता है और फिर वहां पर उसको उड़ाने का जो खर्च आता है वह भी बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन 7 से लेकर 10 लाख रुपए प्रति घंटा खर्च होता है एक लड़ाकू विमान के ऊपर। इसके अलावा जो ज़्यादा बड़े लड़ाकू विमान होते हैं उनका खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, लड़ाकू विमान में अगर कुछ कमी आ जाए तो उसके स्पेयर पार्ट्स करोड़ों रुपए में, अनुमानतम 7 से लेकर 25 करोड़ रुपए तक में मिलते हैं। इसके अलावा लड़ाकू विमान में रिस्क भी बहुत होते हैं, क्योंकि यदि इसमें खराबी आने पर यदि ये क्रैश हो जाए तो आपके 100 मिलियन डॉलर तो पानी में चले जाएंगे। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि लड़ाकू विमान को ऑपरेट करना कितना बड़ा महाभारत होता है। और दोस्तों, इसलिए हमारे भारत के महान वैज्ञानिकों ने इसे रिप्लेस करने की योजना बना ली है। हालांकि अब आप कहेंगे, तब हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यह ड्रोन वाली बात कई देशों की सेनाओं द्वारा ट्राई किया जा चुका है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए हैं। और होंगे भी कैसे, क्योंकि सुई का काम तलवार तो नहीं कर सकती, मतलब कि ड्रोन का काम अलग है और लड़ाकू विमान का अलग। और दोस्तों, इसलिए हमारे भारत के महान वैज्ञानिक बना रहे हैं लॉयल विंग मैन। जी हाँ दोस्तों, लॉयल विंग मैन। दोस्तों, भारत के अलावा पूरी दुनिया में रूस, चीन और अमेरिका ऐसे देश हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। अब इस विंगमैन के बारे में समझा जाए तो देखिए, यह एक तरह का ड्रोन होगा जो लड़ाकू विमान के साथ साथ उड़ेगा, यानी कि एक लड़ाकू विमान होगा और उस लड़ाकू विमान के इर्द गिर्द 5 से लेकर 6 ड्रोन चलेंगे। और जो लड़ाकू विमान के अंदर बैठा पायलट होगा वही इन सभी ड्रोनों को कंट्रोल करेगा। और दोस्तों, उन सभी विंगमैन ड्रोन में लगे होंगे मिसाइल, जैसे कि लड़ाकू विमान में लगे रहते हैं, मतलब कि ये लड़ाकू विमान के जैसे ही दुश्मन पर हमला करेगा और साथ ही खुद को भी बचा पाएगा। इसलिए इसे एक बहुत ही बेहतरीन हथियार माना जा रहा है। और बात करें इसके खूबियों के बारे में, तो पहला, इसकी कास्ट मात्र 10 से लेकर 15 मिलियन की होगी, यानी कि लड़ाकू विमान से लगभग 6 से लेकर 7 गुना तक कम होगी। दूसरा, यह स्टेल्थ होगा, यानी कि रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। तीसरा, इसे उड़ाने के लिए अलग से पायलट की जरूरत नहीं होगी। चौथा, इसकी मेंटेनेंस लड़ाकू विमान से 20 गुना तक कम होगी। इतना ही नहीं, जितना खर्च एक लड़ाकू विमान को उड़ाने में आता है उससे 10 गुना से भी कम खर्च इस ड्रोन को उड़ाने में आएगा, यानी कि हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा जिसे हम अपनी सेना को और मजबूत करने में लगा सकते हैं। और दोस्तों, पांचवा और सबसे अहम बात कि युद्ध काल में भी इसका निर्माण काफी तेजी से किया जा सकता है, क्योंकि आपात स्थिति में मात्र 1 महीने के अंदर बहुत सारे विंगमैन तैयार किए जा सकते हैं। वहीं लड़ाकू विमान की बात करें तो इतने कम समय में मुश्किल से 1 या 2 ही लड़ाकू विमान तैयार किए जा सकते हैं, मतलब कि आप युद्ध काल में भी कई सारे विंगमैन बनाकर चीन से ज्यादा अपनी एयर पावर बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि यह हमारे भारतीय सेना को कब तक मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2020 में पहली बार भारत ने दुनिया को अपने लॉयल विंगमैन के प्रोटोटाइप को दिखाया था। और फिर खबर आई कि इसमें लगने वाला HTFE इंजन बनकर तैयार हो चुका है और उसका जल्द ही परीक्षण किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी हथियार को बनाने में 50% काम बाकी होता है सिर्फ और सिर्फ इंजन बनाने का, मतलब कि अगर आपने इंजन बना लिया तो मानकर चलिए कि आपने आधा काम खत्म कर लिया है। हालांकि रक्षा सूत्रों की माने
तो 2024 तक बनाकर इसे तैयार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, और यदि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।